देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चॉकलेटी कलर का ऊन लिया है और एक देखिए ये पिंक कलर का ऊन लिया है। तो यहाँ पे हमने दो कलर का ऊन यूज करेंगे। आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, कोई सा भी आप दो कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए 10 नंबर की नीडल लेनी है। देखिए यहाँ पे अब हम पिंक कलर से स्टार्ट करेंगे। तो पिंक कलर से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 55 फंदे लेने हैं। देखिए हम यहाँ पे सिलाई पे 55 यानी 55 फंदे हम डालेंगे। यहाँ पे हम फंदे 55 फंदे डालेंगे। तो चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये डबल कर लिया है। अब इसको हमने डबल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टोटल 55 फंदे डाल लिए हैं। 55 फंदे डालने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी डिज़ाइन फर्स्ट रो से ही स्टार्ट होगी। तो हमने देखिए पहले हम 26 फंदे बनाएंगे। 55 फंदे हैं, पहले हम 26 फंदे यानी 26 फंदे को हमने उल्टा उल्टा बुनाई करना है। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स हम 26 फंदे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 26 फंदे ले लिए और 26 फंदे हमारे इधर रहेंगे। तीन फंदे हमने सेंटर से लेना है, तीन फंदे का एक करना है। देखिए 1 2 3, इन तीन फंदों को हम एक साथ बनाएंगे। ये देखिए यानी तीन फंदे का हमने यहाँ पे एक कर दिया। अब इस साइड भी हमारे 26 फंदे होंगे। 55 फंदे लेने के बाद हम 26 फंदे एक साइड करेंगे और बीच में तीन फंदों का एक करेंगे। चलिए ये सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। बैक साइड देखिए हम आ गए। बैक साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे हमने फंदे को घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सभी फंदे को हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। कोई भी फंदा हमने स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए पीछे की साइड से हम हमेशा उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम आगे की साइड आ गए हैं। आगे की साइड से हमने फिर से ये देखिए उल्टा उल्टा हम बनाएंगे। हमें कितने फंदे उल्टा बनाना है आइए देखते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे, ये आप लोग को पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिए तीन फंदे का एक किया था। तो इसके साइड वाला एक फंदा लेंगे और इसके साइड वाला, इसके बगल वाला, और बीच में जो ये हमारा तीन फंदे का एक किया था, फिर से अब इन तीन फंदों को एक बार हम बुन देंगे। यानी जो हमारा सेंटर का फंदा रहेगा, ये देखिए हमने तीन फंदे का एक किया। जब सेकेंड टाइम हम फिर से इधर की साइड आएंगे, आगे की साइड, तो एक फंदा ये ले लेंगे, एक फंदा ये, बीच का ये फंदा, तीन फंदे का एक करेंगे। जो हम तीन फंदे का एक किए रहते हैं वो हमारा अच्छे से पता चलता है। बस उसके साइड साइड के दोनों फंदे को लेके हम तीन फंदे का एक करेंगे, उसके अगल बगल का यानी लेके, और बाकी के सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं। पीछे की साइड से हमेशा सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो चलिए
देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से ये आगे की साइड आ गए। पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट किया है। अब आगे की साइड आ गए हैं। आगे की साइड से देखिए फिर से हमने वही करना है। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम हमारा साइड साइड से एक एक फंदे कम होते। पहले 26 फंदे हमने बुना था, फिर 25 बुना, ऐसे ऐसे ही हमारे ये फंदे कम होते जाएंगे। पीछे की साइड से आपने हमेशा उल्टा उल्टा ही बनाना। आगे की साइड से बस आपने यही करना है, सेंटर के 3 फंदे लेके साइड साइड में आपने डिवाइड फंदे करके 3 फंदा एक्स्ट्रा करके फिर हमने वो 3 फंदों का एक करना है। और बाकी की रो में हमने बाकी की देखिए सलाइयों में यहाँ पे देखिए एक फंदा और हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे 3 का एक हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने 3 फंदों का, सॉरी 3 फंदों का एक किया है ये यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, एक फंदा ये लेंगे, एक फंदा जस्ट इसी के बगल का, और एक ये रहेगा ही, तो इन तीनों को एक कर देंगे हम। बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 का एक 3 का एक 3 बार कर लिया है। पीछे के साइड से हमने फंदे को देखिए उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब क्या करना है, हमने उल्टा उल्टा बना के हमने फ्रेंड्स यहाँ पे 3 फंदों का एक तब तक करना है जब तक हमारे इस साइड 9 फंदे और इस साइड भी 9 फंदे बचे और सेंटर में एक फंदा रहेगा, यानी 9 × 2 = 18 19 फंदा हमारे टोटल रह जाए, तब हमने ये बंद कर देना। तो चलिए हम ऐसे आगे की साइड 3 फंदों का एक करेंगे, पीछे की साइड से नॉर्मल उल्टा उल्टा बनाकर हम कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये घटाते घटाते 3 फंदों का एक करते करते 9 फंदे इस साइड हमारे हैं, 9 फंदे इस साइड और एक फंदा ये सेंटर का है, तो टोटल हमारा यहाँ पे 19 फंदे हैं। देखिए 9 इधर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये सेंटर का है, 9 फंदे इधर भी हैं, तो 19 फंदे टोटल हमारे हैं। बैक साइड से हमने क्या करना है, फंदे को बंद करना है। तो चलिए हम इस फंदे को अब बाइंड ऑफ करते हैं, यानी बंद करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, पीछे की साइड से हम बंद करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों फंदों को एक साथ, अगर आपका आगे की साइड से ही फंदे सही आ जा रहे हैं तो आप आगे की साइड से ही फंदे बंद कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए पीछे की साइड से हम उल्टा उल्टा करके सभी फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे। चलिए हम सभी फंदे को बंद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे को यहाँ पे सभी फंदे को बंद कर लिया है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये फंदा बंद हो गया है, देखिए। तो ये अब हम ये चीज़ देखिए, एक पैर का यहाँ पे बना हुआ है, तो ये पार्ट इतना हमारा ये पिंक वाला बन गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से फंदे उठाने हैं, देखिए यहाँ से इसको आपने ऐसे करना है, सॉरी इस साइड से, सीधे की साइड से ऐसे हम करेंगे, तो देखिए ये हमारा इतना पार्ट ये देखिए बन चुका है। तो हमें बस इतना ही ये बनाना है ब्राउन कलर से। तो हमने क्या करना है, देखिए अब फंदे हमने कहाँ से उठाना है। एक चीज़ और यहाँ पे केयर करिएगा, आपने कैसे यहाँ पे ये 2 इंच छोड़ के, देखिए 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से ऐसे छोड़ के तब हमने ये फंदे उठाने हैं। तो फंदे आपने कहाँ से उठाने हैं, ये देखिए सीधे की साइड से फंदे हम यहाँ से 20 फंदे टोटल हमने उठाने हैं। आप 20 या 18 फंदे भी उठा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे टोटल 20 फंदे उठाए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 20 फंदे इस कलर से हम फंदे को उठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से फंदे देखिए, आपने इतना ध्यान से देखना है जिस साइड से हमने ये स्टार्ट किया था 3 का एक,
तो यहाँ से हम फंदे नहीं उठाएंगे, जहाँ से ये फंदे हमने बंद किए हैं, फंदे हमने ये टॉप से उठाना है। ये हमारी फंदे जो है ये सिलाई में जाएगा, जो हमने उतारा है फंदे को, और यहाँ से हम ये फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट लगा दिया है, एक, दो, तीन, देखिए तीन, जो हम फंदे यहाँ से बुनते हुए चैन सा बनता हुआ आया है, इसी में से हमने फंदे को उठाना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल तीन फंदे हो गए, फंदे हमारे कहीं फंसने नहीं चाहिए। ये देखिए चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, सॉरी 13, 14, 15, 16, चलिए ऐसे हम उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल यहाँ पे 20 फंदे उठा लिए हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 से 3 इंच हमारा ये छूटना चाहिए, 2 इंच तो आपने छोड़ना ही है। ये चीज़ इतना आप काउंट करेंगे एडजस्ट करके, यहाँ पे 20 फंदे यहाँ से उठ जाएगा आराम से। तो अब क्या करना है, इस फंदे को हमने 18 सिलाई सिर्फ बुनना है दोनों साइड से, या तो आप सीधा सीधा बनाएं या तो उल्टा उल्टा दोनों साइड से। तो देखिए इसको हम ऐसे, पहले हम एक साइड की पट्टी बनाएंगे, नॉर्मल पट्टी आपने बनानी है दोनों साइड से। चलिए हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे की साइड से हमने एक सिलाई बना ली है। ऐसे ही आपने, सॉरी पीछे की साइड से, ये फंदे हमने ऐसे उतारना है, ये देखिए, और ऊन को हम देखिए इसके बीच से ऐसे लाएंगे, तब यहाँ पे हमारा ये चैन सा बनता हुआ जाएगा, जिससे फिनिशिंग इसकी अच्छी आएगी। तो पीछे से भी, आगे आगे पीछे दोनों साइड से आपने उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको दोनों साइड से बना लिया है यहाँ पे चॉकलेटी कलर से। तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये फंदे हमने यहाँ से देखिए उठाए थे फंदे, फिर इतना हमने बनाया, ये 14 सिलाई के करीब इसको हमने बनाया है। दोनों साइड से गार्टर स्टिच, उसके बाद देखिए पहले तो हमने फंदे यहाँ से उठाए थे यहाँ तक, अब जब हम सेकेंड टाइम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे आपने देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके इतना ऐसे कर लेना है। देखिए जब आप इतना करेंगे ऐसे, तो ये बराबर में हमारे आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, देखिए एक बार इस साइड से हमने फंदा उठाया है, और जो दोबारा फंदा हम उठाएंगे तो ये यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, देखिए फंदे उठाने के बाद हमने बुन लिया है जितना हमने बुनाई करना था। अब फंदे को हमने बाइंड ऑफ करना है, यानी हमने फंदे को बंद करना है। तो फंदे को हम बैक साइड से बंद करेंगे। तो देखिए कैसे हम बंद करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे का एक किया, फिर इस फंदे को हम इस पे ले गए, ये देखिए, फिर ऐसे ही हम सभी फंदे को बंद करेंगे। फिर इसको इस पे ले गए, तो आपने फंदे को ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज बंद करना है, नॉर्मल ही आपने फंदे को
ये देखिए हमने ये सारे फंदे ऐसे बंद हो जाएंगे। बैक साइड से जब हम फंदे को बंद करते हैं, बाइंड ऑफ करते हैं, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। फ्रंट साइड से देखिए ये हमारा चैन सा बनता हुआ आता है। तो चलिए ऐसे ही हम ये सभी फंदे को बंद कर ले रहे हैं। देखिए हमने फंदे को बंद करने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा धागे रखने हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो लास्ट वाले फंदे को आपने, ये देखिए हमारा लास्ट वाला फंदा है, तो इसको हमने नीडल से उतार के फिर इसको हमने ऐसे खींचा तो ये लूप बड़ा हो गया। फिर इसके अंदर से ये जो हमने धागे छोड़े हैं इसके अंदर से इसको ऐसे ला के फिर खींच देंगे ताकि ये हमारे यहाँ से खुले ना। तो ये देखिए हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई। अब हमने क्या करना है, इसको देखिए आपने सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने के बाद हमने इसकी सिलाई, ये धागा हमने इसलिए छोड़ा है कि इसकी सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे। उसके बाद जो पिंक कलर का है यहाँ पे हम पिंक कलर के ही धागे से सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए लास्ट यहाँ तक लाएंगे और ये सिलाई हम यहाँ से करेंगे और ये फ्रंट साइड हमारा ये खुला रहेगा। तो ये देखिए हम साइड से, ये पीछे की साइड से हम ऐसे करेंगे फिर उसके बाद ऐसे। तो चलिए हम सिलाई करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से इसकी ऐसे सिलाई कर ली है। इतना सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने ये साइड साइड में सिल लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई ऐसे करेंगे। देखिए ये पूरी सिलाई ऐसे हमने करना है। तो पहले तो हम ये चॉकलेटी कलर से सिलाई करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ की सिलाई जो आपने करनी है वो पिंक कलर से करनी है। तो चलिए इसकी सिलाई हम देखिए, हमने यहाँ पे ऊन को डाल लिया है, इंसर्ट कर लिया है सुई में। अब टॉप पे यहाँ पे सिलाई करने के बाद हम यहाँ की सिलाई करते हैं। देखिए ऐसे हमने स्टिचिंग करनी है इसकी। बहुत इजी शौक से फ्रेंड्स आप इसे एक दिन में आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं। इसको फ्रेंड्स सभी बिगनर्स बना सकते हैं। जिसको भी उल्टे की बुनाई आती है, उल्टे सीधे की, वो आराम से इसको बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, एकदम नए डिज़ाइन की सॉक्स है, काफ़ी प्यारी भी लगती है। ये देखिए ऐसे ही हमने ये सिलाई इसकी करनी है। तो देखिए इसकी सिलाई हमने ऐसे करनी है, यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसको आपने बराबर दोनों पार्ट को पकड़ के स्टिचिंग करनी है। देखिए दोनों ऐसे हमने ये बराबर पकड़ना है। यहाँ से हम पिंक कलर की सिलाई करेंगे, पिंक कलर के ओल्स। यहाँ से स्टिचिंग करते हुए ये हमारा जो हमने ये फंदे को बाइंड ऑफ किया था, यहाँ पे 18 फंदे हमारे थे, 19 फंदे थे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे पिंक कलर से सिलते सिलते यहाँ टॉप तक जाना है। तो चलिए इतना हम सिल के फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई करने के बाद कुछ ऐसे बन के आया है। इसको हमने देखिए यहाँ से सीधा कर लिया है और ये पहनने पे बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सो बटन या कोई बीट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। तो देखिए बहुत ही अच्छी ये बन के आई है, बहुत कम्फर्टेबल और बहुत ईजी है बनाने में। तो आप लोग ज़रूर से इसको बनाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन सॉक्स की आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू।